topic before, between and after. Okay? Look at the number strip given below. अपने को क्या करना है, ये numbers 1 से लेकर 9 तक number write करने हैं. तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये अपन ने क्या किया, 0 से 9 तक number write किया है. अब अपने को देखना है कि बिफोर क्या होता है, बिटवीन क्या होता है और आफ्टर क्या होता है. ओके, तो बिफोर किसे कहते हैं अपन, जो किसी नंबर से पहले आए. किसे कहते हैं, जो किसी नंबर से पहले आए. तो देखिए फॉर, फॉर बिफोर क्या है, 3, क्योंकि फॉर से पहले क्या है, 3 है. 6 बिफोर क्या है, 5, क्योंकि 6 से पहले क्या है, 5 है. अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन आस्क करती हूँ. 3 बिफोर 2, 2 बिफोर 1, 8 बिफोर 7. बिफोर किसे कहते हैं, पहले आने वाले नंबर को. ओके, आफ्टर, आफ्टर किसे कहेंगे, बाद में आने वाले नंबर को. जिस नंबर के, जिस नंबर का आपने को आफ्टर नंबर पूछा है, उस नंबर के बाद में आने वाले नंबर को क्या कहेंगे, आफ्टर. ठीक है, तो 3 आफ्टर 4, 1 आफ्टर 2, 4 आफ्टर 5, 6 आफ्टर 7, ठीक है, 8 आफ्टर 9, 8 बिफोर 7, 8 आफ्टर 9, 4 आफ्टर 5, 4 बिफोर 3. बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर मीन्स बाद में. ओके, बिटवीन, बिटवीन किसे कहते हैं, जो 2 नंबर के बीच में आने वाली डिजिट को क्या कहेंगे, बिटवीन. ओके, जैसे 5, 7 बिटवीन 6, 2, 4 बिटवीन 3, 1, 3 बिटवीन 2, 7, 9 बिटवीन 8, क्योंकि जो 8 है ये 7 और 9 के कहाँ हैं, बीच में प्रेजेंट है. 3 कहाँ प्रेजेंट है, 3, 2 और 3 के बिटवीन कहाँ प्रेजेंट है, 2 और जो 4 है उसके बिटवीन में क्या प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है, 3. देखो 2 एंड 4 के बीच में क्या प्रेजेंट है, 3. ठीक है, अब अपन क्वेश्चन एक्सरसाइज डी करते हैं. राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर. क्या करना है अपने को, बिफोर नंबर राइट करने हैं. क्या करना है, बिफोर नंबर राइट करना है. बिफोर मीन्स पहले वाले नंबर. फॉर बिफोर 3, 5 बिफोर 4, 2 बिफोर 1, 6 बिफोर 5, 9 बिफोर 8, 1 बिफोर 0, 3 बिफोर 2, 7 बिफोर 6, 8 बिफोर 7. ठीक है, तो ये क्या थे, इन जो जिस नंबर का बिफोर अपन ने अपने को आस्क किया है, तो अपन ने क्या किया है, जिस नंबर का बिफोर आस्क किया था उस नंबर के पहले वाला नंबर अपन ने यहाँ पे राइट कर दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर दैट कम इन बिटवीन. क्या करना है अपने, 2 नंबर के बिटवीन में आने वाला जो नंबर है वो राइट करना है. 2 एंड 4 बिटवीन, तो बताइए 2 और 4 के बीच में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. तो 2, 4 बिटवीन 3, 5, 7 बिटवीन. तो देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए 5 और 7 के बीच में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है. तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे अपन, 6. ठीक है, 7 एंड 8, 7 और 8 के बिटवीन में क्या आता है, देखिए यहाँ पे 7,
सिक्स एंड एट, सिक्स और एट के बिटवीन में क्या आता है, तो देखिए यहाँ पे सिक्स एंड एट बिटवीन सेवन. नेक्स्ट देखो सेवन नाइन, सेवन नाइन बिटवीन एट, जीरो टू बिटवीन वन, जीरो और टू के बीच में क्या आता है वन, थ्री एंड फाइव बिटवीन फोर, थ्री और फाइव के बीच में क्या आता है फोर आता है ना, फोर एंड सिक्स बिटवीन फाइव, वन एंड थ्री बिटवीन टू, टू का आता है वन और थ्री के बीच में आएगा, है ना. नेक्स्ट देखिए राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर. अब कौन से नंबर राइट करने अपने को, आफ्टर में आने वाले नंबर, जो बाद में आने वाले नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं आफ्टर, है ना. तो देखो फोर आफ्टर फाइव, फोर देखो काउंटिंग काउंटिंग करते हैं ना अपन, तब फोर के फाइव जो है फोर के बाद में आता है ना, देखो वन टू थ्री फोर फाइव, फोर फाइव है ना, फोर फाइव. नेक्स्ट देखो सिक्स आफ्टर सेवन, काउंटिंग में कैसे करते हैं अपन, सिक्स सेवन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, जीरो वन, सेवन एट, फाइव सिक्स, एट नाइन, है ना. तो चलो राइट करते हैं सिक्स आफ्टर सेवन, टू आफ्टर थ्री, सेवन आफ्टर एट, नाइन एट आफ्टर नाइन, जीरो आफ्टर वन, थ्री आफ्टर फोर, वन आफ्टर टू, फाइव आफ्टर सिक्स, ठीक है. तो ये अपन ने क्या किए हैं, आफ्टर नंबर राइट किए हैं, ठीक है. तो आर यू अंडरस्टूड बिफोर बिटवीन एंड आफ्टर. अगर इन नंबर्स के अलावा आपको टेन से अभाव वाले डिजिट भी अगर आपको दे तो आप इजीली कर सकते हो क्या, कर सकते हैं. जैसे अगर आपको आज किया जाए कि फोर आफ्टर इलेवन आफ्टर ट्वेल्व, ट्वेल्व का आता है इलेवन के बाद में आता है ना, फोर्टीन आफ्टर फिफ्टीन, सिक्सटीन बिफोर सिक्सटीन से पहले क्या आता है फिफ्टीन, फोर्टीन एंड सिक्सटीन बिटवीन फिफ्टीन, फोर्टीन और सिक्सटीन के बीच में क्या आता है, फोर्टीन एंड सिक्सटीन के बीच में क्या आता है फिफ्टीन, ओके. नंबर नेक्स्ट कंपेयरिंग नंबर्स, क्या करना है अपने को, नंबर्स को कंपेयर करना है. लेस देन हाय रितु आई हैव चिक, आई हैव सिक्स चॉकलेट. ये बॉय किसको कह रहा है, गर्ल को, कि हाय रितु आई हैव सिक्स चॉकलेट, मेरे पास सिक्स चॉकलेट है. चलो काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. इस बॉय के पास तो कितनी चॉकलेट है, सिक्स चॉकलेट है. हेलो सुमित आई हैव फाइव चॉकलेट. ये गर्ल क्या बोल रही है सुमित को, कि हेलो सुमित मेरे पास जो है फाइव चॉकलेट है. चलो काउंट करते हैं इसके पास कितनी चॉकलेट है, वन टू थ्री फोर फाइव, कितनी चॉकलेट है इसके पास, फाइव चॉकलेट है, ठीक है. तो बॉय जो है, बॉय के पास तो कितनी चॉकलेट है, सिक्स चॉकलेट है, और गर्ल के पास कितनी चॉकलेट है, फाइव चॉकलेट है. हियर रितु हैज लेस चॉकलेट देन सुमित, वी से दैट फाइव इन लेस देन सिक्स एंड राइट फाइव सिक्स, ठीक है, फाइव लेस देन सिक्स, ठीक है, फाइव ग्रेटर देन सिक्स. अब यहां पे जो है फाइव सिक्स क्या है, सिक्स क्या है बड़ी डिजिट है, फाइव क्या है स्मॉल डिजिट है, ये क्या है
लार्ज डिजिट है, ये क्या है स्मॉल डिजिट है, तो लार्ज डिजिट को अपन क्या करते हैं ओपन करते हैं और स्मॉल डिजिट को क्लोज कर देते हैं, है ना। 6 5 से ज्यादा है ना तो ये तो क्या है लार्ज है, और 5 6 से कम है तो ये क्या है स्मॉल डिजिट है। लार्ज को अपन ओपन कर देते हैं और स्मॉल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट लेस देन, सॉरी इस सिंबल्स को क्या कहते हैं लेस देन, ऐसे वाला जो सिंबल होता है इसको क्या कहेंगे लेस देन, ठीक है। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन किसको कहते हैं, हाय सौम्या आई हैव 5 biscuits, ये बॉय क्या कह रहा है कि मेरे पास जो है 5 biscuit है। हेलो हेलो रंजन आई हैव 8 biscuit, ये गर्ल क्या कह रही है कि मेरे पास जो है 8 biscuit है, इसके पास तो 5 है और इसके पास क्या कितने हैं 8 है, मीन्स इसके पास तो ज्यादा बिस्किट है। हे सौम्या हैज मोर बिस्किट देन रंजन, वी से दैट 5 इज ग्रेटर देन 5 एंड राइट 8 ग्रेटर देन 5। इस सिंबल्स को क्या कहते हैं, इस वाले सिंबल्स को तो क्या कहेंगे लेस देन, और इस वाले सिंबल्स को क्या कहेंगे ग्रेटर देन, क्या कहेंगे ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। और जो कैपिटल डिजिट होगी, जो कैपिटल डिजिट होगी उसको तो अपन ओपन कर देंगे और जो स्मॉल डिजिट होगी उसको अपन क्लोज कर देंगे, है ना। इस तरीके से अपन डाइट करेंगे सिंबल्स को, ओके। तो इसे अपन क्या कहेंगे ग्रेटर देन। एक्सरसाइज ई देखते हैं, काउंट द ऑब्जेक्ट एंड फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल। अपने को क्या करना है, इन पिक्चर को काउंट करना है और यहाँ पे सिंबल देखना है कि कौन सा सिंबल आएगा। तो चलो इस वाली पिक्चर को राइट, पहले लेफ्ट साइड के जो मैंगो है उनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने मैंगोज हैं 6 मैंगोज हैं। फिर राइट साइड के मैंगो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने मैंगोज हैं 7 मैंगोज हैं। तो बताइए दोनों में से जो है लार्ज डिजिट कौन सी है, 6 है या फिर 7 है, कौन सी डिजिट है 7 डिजिट जो है लार्ज डिजिट है, इसलिए अपन क्या करेंगे 7 को ओपन कर देंगे और 6 को क्लोज कर देंगे, 6 को क्लोज कर देंगे ना। लार्ज को क्या करते हैं अपन ओपन करते हैं और स्मॉल को क्लोज कर देंगे। कौन सा सिंबल है बताओ, ये कौन सा सिंबल है लेस देन, तो क्या बोलेंगे अपन 6 less than 7, 6 less than 7, ठीक है। नेक्स्ट चलो पोमेग्रेनेट अपन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है पोमेग्रेनेट 7 है पोमेग्रेनेट टू। अब नेक्स्ट वाली पोमेग्रेनेट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी पोमेग्रेनेट है 8 पोमेग्रेनेट है। अब बताइए दोनों में से जो है लास्ट डिजिट कौन सी है, 7 है या फिर 8 है, कौन सी है 8 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा लेस देन 7 लेस देन 8। अपन ने क्या किया 8 को ओपन कर दिया एंड 7 को क्लोज कर दिया, और इस सिंबल को क्या कहते हैं लेस देन कहते हैं, क्या कहते हैं इस सिंबल को लेस देन। नेक्स्ट देखो चलो इसको काउंट करते हैं, 1 2 3, ये कितने हैं 3, 1 2, ये कितने हैं 2, तो 3 है तो यहाँ पे 3 राइट कर देंगे और ये 2 है तो यहाँ पे 2 राइट कर देंगे। अब देखते हैं कि इन दोनों में जो है लास्ट डिजिट कौन सी है, 2 है या फिर 3 है, पहले तो क्या आता है 2 आता है और बाद में क्या आता है 3 आता है, 1 2 3, इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या है 3 है,
तो थ्री को अपन ओपन कर देंगे और टू को क्लोज कर देंगे। ओके नेक्स्ट, चलो स्पैनिंग टॉप देखते हैं। वन टू थ्री फोर, कितने हैं ये? फोर। वन टू थ्री फोर फाइव, ये वाले कितने हैं? फाइव। अब देखो दोनों में से जो है लार्ज डिजिट कौन सी है, फोर है या फिर फाइव है? चलो काउंटिंग करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, पहले क्या आया? फोर, और बाद में क्या आया? फाइव। इसलिए बड़ी डिजिट कौन सी है? फाइव, और छोटी फोर है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट को अपन ओपन कर देंगे और स्मॉल को क्लोज कर देंगे। ओके आर यू अंडरस्टूड? इट्स इनफ फॉर टू डेज, रिमेन टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।